शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, आज जानेंगे दोस्तों इनका राज। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं शैलो फाउंडेशन के बारे में। शैलो फाउंडेशन की डेप्थ या तो ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है उसके दिए हुए विड्थ से। शैलो फाउंडेशन हमेशा ओपन एक्सकैवेटेड पिट में ही दिया जाता है। शैलो फाउंडेशन को एडॉप्ट या कंस्ट्रक्शन ऐसे एरिया में कर सकते हैं जहां पर ग्राउंड सरफेस के लिए नियर सॉइल लोड को सहने के लिए सक्षम। शैलो फाउंडेशन की डेप्थ कम होने की वजह से सॉइल को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं शैलो फाउंडेशन के कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है स्प्रेड फुटिंग। अब स्प्रेड फुटिंग को पैड या आइसोलेटेड फुटिंग भी कह सकते हैं और आइसोलेटेड फुटिंग को इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। अगर हम स्प्रेड फुटिंग की बात करें तो स्प्रेड फुटिंग या तो सर्कुलर शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप या फिर ट्रेपेजॉइडल शेप का भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमने जाना शैलो फाउंडेशन का फर्स्ट टाइप जो कि था हमारा स्प्रेड फुटिंग। अब हम जानते हैं कंबाइंड फुटिंग के बारे में। तो कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट करता है दो या दो से ज्यादा कॉलम को और इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो कॉलम एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि फुटिंग ओवरलैप हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में प्रोवाइड करना होता है हमको कंबाइंड फुटिंग। नेक्स्ट फुटिंग की ओर चलते हैं जो कि है हमारा स्ट्रैप फुटिंग। देखिए इससे पहले जो हमने बात की थी वो स्ट्रैप फुटिंग था जिसमें पैड या आइसोलेटेड का नाम ले रहा था फुटिंग में, लेकिन अब हमारा आया स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में दो अलग अलग फुटिंग होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रैप से जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रैप मतलब कि वहां पर आपके एक बीम की सहायता से हम दो फुटिंग को कनेक्ट कर देते हैं जिससे लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो पाए उन दोनों ही फुटिंग में। अब दोस्तों शैलो फाउंडेशन में एक ऐसे फुटिंग का टाइप आ जाता है जिसका नाम है स्ट्रिप फुटिंग। ये स्ट्रिप फुटिंग लोड बेयरिंग वॉल के लिए एक स्ट्रिप फुटिंग को प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे मामले में एक लाइन में काफी फुटिंग प्रोवाइड करने की तुलना में स्ट्रिप फुटिंग प्रोवाइड करना अधिक किफायती है। स्ट्रिप फुटिंग को कंटिन्यूस रूट फुटिंग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर एक ही फुटिंग के अंदर आप वॉल मतलब आरसीसी वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर अलग अलग फुटिंग की तुलना में ये ज्यादा किफायती हमारे लिए। देन आता है मैट फाउंडेशन जिससे फाउंडेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का स्लैब ऑन ग्राउंड फाउंडेशन है। इसका उपयोग रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन दोनों में किया जाता है। मैट या रफ फाउंडेशन की हम बात करें तो स्ट्रिप या ट्रेंच फुटिंग की तुलना में कॉन्टैक्ट प्रेशर को कम करता है और यह हम ऑन ग्राउंड स्लैब की तरह इसको यूज करते हैं। अगर मैं मैट फाउंडेशन और रफ फाउंडेशन में एक छोटा सा डिफरेंस अगर मैं बात करूं, दोनों ही फुटिंग एक जैसे हैं जिसमें सभी तरह के कॉलम एक ही फुटिंग के अंदर हमें कंस्ट्रक्ट करने होंगे जिसका सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैट और रफ फाउंडेशन में यदि एक छोटा सा मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो वो डिफरेंस है कि जो इसका थिकनेस है, यदि थिकनेस हम 300 mm से लेकर 450 mm के बीच में लाया कर रहा है तब ऐसे कंडीशन में उसको मैट फुटिंग बोलेंगे। यदि उसका थिकनेस हमारा 450 mm से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तब ऐसे कंडीशन में इसको राफ फुटिंग का दर्जा मिलता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं डीप फाउंडेशन के बारे में। डीप फाउंडेशन जब भी फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा हो या उसके विड्थ से, ऐसे फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन कहेंगे। मतलब यहां पर डेप्थ ज्यादा हो जा रही है उसके विड्थ से तो यह कहेंगे हम डीप फाउंडेशन। इसका मेन पर्पस होता है कि स्ट्रक्चर का लोड स्ट्रॉन्ग बेड या रॉक पर ट्रांसफर किया जाना। साथ में दोस्तों ये फाउंडेशन ऐसे एरिया में प्रोवाइड करेंगे जहां टॉप लेयर ऑफ सॉइल हैव लो बेयरिंग कैपेसिटी। जहां पर लो बेयरिंग कैपेसिटी होगा टॉप सॉइल में, ऐसे कंडीशन में हम डीप फाउंडेशन का यूज करेंगे। साथ में दोस्तों डीप फाउंडेशन ऐसे कंस्ट्रक्शन में भी सुटेबल रहेगा जहां स्ट्रक्चर का लोड हैवी लोड रहने वाला है, ऐसे कंडीशन में भी डीप फाउंडेशन का ही यूज होने वाला है। दोस्तों जिस तरह से फाउंडेशन को जानकर आप समझे कि हमारे बिल्डिंग में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, सिम आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिविल गुरुजी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें बिल्डिंग से रिलेटेड सभी तरह के टेक्निकल स्किल्स के पूरी गाइडेंस मिलने वाली है और आपको वीडियो लेक्चर प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। 730 डेज की वैलिडिटी ऑब्वियसली मिलेगी आपको, यहां पर ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव डाउट सेशन, आप यहां पर डाउट पूछ सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं। दोस्तों इस पूरे कोर्स में बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में 74% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को। तो इस डिस्काउंट को पाने के लिए बोर्ड लाइन पर दिए गए नंबर जो कि है 9111001234 और कोर्स का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर उसको डाउनलोड करके जरूर पीडीएफ को रीड आउट कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हमने जाना डीप फाउंडेशन के बारे में, अब चलते हैं डीप फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले
पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन का ऐसा टाइप है जिसमें लोड को लो लेवल पर ट्रांसफर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल मेंबर, जिनको ही पाइल बोला जाता है। साथ में दोस्तों पाइल एक सिलेंडर मेंबर है जो कि हो सकता है कंक्रीट, स्टील या वुड का रहने वाला है। दोस्तों लार्ज स्ट्रक्चर से आने वाले लोड के कारण सॉइल एक्सेसिव सेटलमेंट को रजिस्ट ना कर पाना, इसलिए पाइल को पाइलिंग मशीन के साथ ड्रिवन किया जाता है हार्ड स्ट्रेटा अचीव करने के लिए। जब हार्ड स्ट्रेटा अचीव होगा तो हमारा लोड इजीली ट्रांसफर हो पाएगा उन रॉक बेड में या हार्ड स्ट्रेटा में। अब चलते हैं डीप फाउंडेशन के सेकेंड टाइप की ओर, जो कि है पियर फाउंडेशन। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट टाइप जो कि था पाइल फाउंडेशन। तो दोस्तों अब चलते हैं डीप फाउंडेशन के सेकंड टाइप की ओर, जो कि है पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन जनरली वर्टिकल कॉलम ही होते हैं बट इन अ लार्ज क्रॉस सेक्शन कंपेयर टू पाइल फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन यूज्ड ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पर सॉइल का टॉप स्ट्रेटा में डीकंपोज्ड रॉक या स्टिफिक क्ले हो प्रेजेंट होती है, वहां पर हम पियर फाउंडेशन का यूज करते हैं। पियर फाउंडेशन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो टाइप में, फर्स्ट वन इज मशीनरी पियर एंड और सेकंड वन इज ड्रिल्ड कैशन। तो दोस्तों ये था हमारा पियर फाउंडेशन। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं आज के लास्ट फाउंडेशन पर, जो कि है कैशन और बेल फाउंडेशन। एक खोखले प्रिज्मेटिक बॉक्स के आकार के फाउंडेशन का टाइप है कैशन या बेल फाउंडेशन, जो कि जमीनी स्तर से ऊपर बनाया जाता है और फिर उस सिंगल यूनिट को आवश्यक गहराई तक डुबा दिया जाता है। इट इज अ वाटर लाइट चैम्बर यूज लेइंग फाउंडेशन अंडर वाटर लाइक रिवर, लेक्स एटसेट्रा। तो ऐसे एरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं। द कैशन कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अब ये तीन टाइप कौन कौन से हैं? ओपन कैशन, प्न्योमेटिक कैशन या बॉक्स कैशन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में कंप्लीटली हमने जाना शैलो और डीप फाउंडेशन के बारे में, साथ ही इन दोनों टाइप्स के फाउंडेशन में यूज होने वाले फुटिंग्स को डिटेल में जाना। तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप जरूर पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा इस एंटायर सेशन का। वीडियो को शेयर करने की जवाबदारी आप सभी सिविल इंजीनियर्स के ऊपर छोड़कर मैं अलविदा लेता हूं आज के वीडियो लेक्चर से। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।